भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। इस सीरीज को शुरू होने से पहले ही भारत टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर कोरोना संक्रमित हो गए हैं और अब इन प्लेयर्स को सीरीज से बाहर होना पड़ेगा। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के सामने बड़ी मुसीबत इस बात को लेकर खड़ी हो गई है कि उनके साथ पहले वनडे में ओपनिंग कौन करेगा। आपको बता दें कि केएल राहुल भी पहले वनडे से बाहर है। ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन, रिजर्व ओपनिंग ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल के पहले वनडे से बाहर होने के बाद कप्तान रोहित आखिर किसके साथ ओपनिंग करेंगे। हालांकि ये मुसीबत भी हल हो चुकी है। रोहित जिस खिलाड़ी के साथ पहले वनडे में पारी की शुरुआत करने वाला है उसका नाम मयंक अग्रवाल है। बीसीसीआई ने नया पत्रे खेलते हुए अचानक मयंक अग्रवाल को भारतीय टीम के साथ जोड़ा है। वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले ही भारत के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन, सीएसके को अपने दम पर फाइनल जिताने वाले ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और नवदीप सैनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सब खिलाड़ी 6 फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं। टीम इंडिया के लिए किसी सदमे से कम नहीं। 6 फरवरी से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम भी घोषणा हो चुकी है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे तो केएल राहुल उप कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, ऋषभ पंत जो विकेट कीपर होंगे, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्रोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आबेश खान होंगे।